outstanding work in the creation of barrier-free environment for persons with disabilities. Also, excellent contribution award in G-Files Governance Awards for his unique socio-economic development initiatives in the state of Madhya Pradesh in 2018. Public Servant of the Year by UBM Giving Back CSR and NGO Awards in 2015. Manthan Award for usage of active tracker device to eliminate female foticide under Save Girl campaign in 2014. Best Project Implementation through Innovative Use of Information Technology of Project Hamari Ladli by Madhya Pradesh Agency for Promotion of IT in 2014, etc. are a few awards from the list of awards which have been received and bestowed by him. Bestowed upon him. It is indeed our honor to have you amongst us, sir, today. I would now request Sri Narahari to kindly address the gathering. As a part of the faculty development program, this particular workshop, I thank the Chancellor of the University, Naveen Chandra ji, and Juan Kedi ji, who is on behalf of AACTC here, all the faculty members who have joined here for this particular program. I'm very happy that AACTC has found it more suitable that there should be an induction program for the faculty members. There could be several reasons why AICTC must have thought about this, but I definitely feel whenever there is a fresh batch of activities, whenever there needs to be some kind of refresher courses, such activities are very, very important. Myself being an engineering student about 20 years back, we always used to look forward for several such activities. And for a brief period of about 2 years before joining the Indian Administrative Services, I worked as a scientist with Department of Science and Technology for 2 years, almost 2 years. एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने के नाते पास आउट होने के बाद लगभग 2 साल ये जो साइंटिस्ट पोस्ट पे काम कर रहा था उसके साथ साथ मैं टीचिंग भी करता था. I was the university topper of mechanical engineering of Osmania University actually. ऐसे ऐसे भी और सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान टीचिंग का कई रीजंस की वजह से इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट था पैसे कमाना और उसके साथ साथ आईएएस की तैयारी भी चल रहा था. इन बिटवीन मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज भी क्लियर की थी जो मैंने ज्वाइन नहीं किया था. फिर मैंने साइंटिस्ट के रूप में ज्वाइन करके फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी चल रहा था. टीचिंग जो है वो बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और मैं मौके ढूंढता हूं जहां कहीं से भी, खास तौर पर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज जहां से भी मुझे स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए खास तौर पर बुलाया जाता है तो मैं जरूर पहुंच जाता हूं. मैं इसलिए कहता हूं नोबल प्रोफेशन और मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन रहा है आईएएस में आने के लिए. मैं क्लास 10th में था तो हमारा जो स्कूल था उस स्कूल ने एक समीपस्थ गांव अडॉप्ट किया था. हमारे जिले के कलेक्टर, मैं मूलतः तेलंगाना से हूं और करीमनगर जिला है हमारा, तो हमारे जिले के कलेक्टर ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, उसका नाम था अक्षरा उज्ज्वला, जो एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम के रूप में, यानी कि जो एल्डरली लोग हैं, वृद्धजन हैं, जिन्होंने कभी पढ़ाई वढ़ाई नहीं की है, उनको अक्षर सिखाने के लिए अक्षर उज्ज्वला करके प्रोग्राम चलाया था. तो मैं क्लास टीचर था, क्लास लीडर था और स्कूल लीडर भी था.
तो हम लोगों ने जो स्कूल अडॉप्ट किया था तो रोज शाम को जैसे ही स्कूल के अवर्स खत्म हो जाते थे तो उस गांव में पहुंच जाते तो सभी वरिष्ठ नागरिकों को बुला के वहां पे कम्युनिटी हॉल में बिठा के उनको पढ़ाते थे। तो उस दौरान हम लोगों ने कई सारे नए नए टेक्निक्स, क्योंकि मतलब बच्चों को सिखाना उतना ही डिफिकल्ट है ऐसा नहीं है, पर वृद्धजनों को सिखाना और भी डिफिकल्ट है, क्योंकि एक मतलब 50-60-70 साल बीत गया और अब आप उनसे कह रहे हैं कि आप पढ़ो। तो हम कई सारे टेक्निक्स, हम स्टूडेंट्स मिलके, क्लासमेट्स मिलके हम लोग उस डांस ड्रामा मतलब उनको उनको सिखाने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो बहुत सारे प्रयास हम करते थे। और साल भर इन प्रयासों के दौरान मैंने रियलाइज किया कि टीचिंग कितना इंपॉर्टेंट, कितना कितना आसान नहीं है और कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है, कितना बनाया जा सकता है। तो उस समय मेरे दिमाग में बैठ गया कि मैं भी आईएएस अफसर बनूंगा, मैं भी ऐसे कुछ समाज से समाज में ऐसे कुछ गतिविधियां करेंगे जो समाज में बदलाव ला सकते हैं। तो वहां से लेकर आईएएस ज्वाइन करने तक के सफर के दौरान मैंने टीचिंग जो है कई मतलब डिफरेंट एज के दौरान मैंने टीचिंग को अपनाया था। तो हमारे देश में टीचिंग, आप भी आप स्मरण कर लीजिए कि अपने जीवन में जो है इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत कम लोग ऐसे रहते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक जैसे इग्निशन बोलते हैं हम, कहीं इग्नाइट कर देते हैं। उसमें अगर हम विश्लेषण करेंगे तो सबसे ज्यादा अगर हमारे जीवन में कोई इन्फ्लुएंस करता है वो टीचर होता है। हमारे स्कूल में कॉलेज में कोई कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो हमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो टीचर जो है, गुरु जो है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लाइफ में। और थोड़ी देर के समझ लीजिए कि वो व्यक्ति अगर नहीं होता हमारे लाइफ में इन्फ्लुएंस करने के लिए तो क्या होता। तो इसलिए टीचिंग जो है बहुत नोबल प्रोफेशन है और उस प्रोफेशन के वजह से ही हमारे जनरेशंस जो है जनरेशंस को एक दिशा मिल जाती है। यह ऐसा प्रोफेशन है जैसे मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको एक घंटा पढ़ाना है तो कम से कम 2 घंटे की तैयारी के साथ अगर आप आएंगे तो आप असली टीचर हैं। आप क्लास के लिए निकल गए फटाफट, मतलब अपना दूसरा कोई कामकाज या फिर दूसरा कोई काम कर रहे थे और अचानक आप क्लास में पहुंच गए, मैंने समझता कि आपने आप अच्छा कोई क्लास बच्चों को पढ़ाएंगे, मैंने समझता कि आप खुद भी सेटिस्फाइड रहेंगे कि मैंने एक अच्छा क्लास लिया है या स्टूडेंट को कुछ पढ़ाया है। तो टीचिंग में, टीचिंग ऐसा नहीं है कि हाँ बस एक बार सीख लिया तो सीख लिया, ऐसा नहीं है। मतलब स्टूडेंट को जितना, स्टूडेंट के हैसियत से जितना निरंतरता के साथ पढ़ना रहता है उससे ज्यादा टीचर को पढ़ना रहता है। टीचर वही है जो अपने आप अपडेट होके अल्टीमेटली स्टूडेंट से ज्यादा आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। सोच लीजिए कि कोई स्टूडेंट आपसे बेहतर जानता हो तो फिर आप कैसे टीचर होंगे जो आपसे ज्यादा कोई और समझता हो जानता हो। तो टीचिंग ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर न केवल आप एक क्लास लेते हैं, आप कुछ मार्गदर्शन देते हैं, बल्कि टीचर वो भी होता है कि उस सब्जेक्ट को कैसे हैंडल किया जाए वो भी सिखाता है। सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट जो पुस्तकों में है वो एक फिजिकल बॉडी जैसा भी है जिसको हैंडल करना भी बहुत
मतलब आना चाहिए। सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आपने बताया, उन्होंने समझा और बस दोनों हाँ हाँ कर लिए और निकल गए। सब्जेक्ट वो भी है जो आपके साथ निरंतरता के साथ आपका साथ दे और आप उसको हैंडल करते हुए आगे आप बढ़ सके। ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, ऐसा नहीं कि वो टेम्पररी इफेक्ट है, ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी नॉलेज जो है वो क्यूमुलेटिवली आपके साथ जुड़ता हुआ आगे बढ़ता है। अगर आप क्यूमुलेटिव तरीके से सब्जेक्ट को अपने साथ में नहीं लेके चल रहे हैं, आप किसी सब्जेक्ट को जो है उतना ही पार्ट पोर्शन में उसको डिवाइड करके देखेंगे तो आपका नॉलेज जो है वो मतलब पर्याप्त नहीं है, इट्स मोर ऑफ एक्सेप्शनल है। मैं अच्छे से मैं कुछ चीजें आपको अपने लाइफ के बारे में ज्यादा बताऊंगा क्योंकि वही है टीचिंग, तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि हम टीचर है ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग बहुत सारे चीजें ऐसे करते हैं जो हम यहां बता नहीं सकते। तो हमारे इंग्लिश टीचर थे स्कूल में जो हमको इंग्लिश पढ़ाते थे, और वो ऐसा समय चुन के आते थे दोपहर में लंच के बाद फर्स्ट क्लास लेते थे। आप इमेजिन करिए कि दोपहर में मैं लंच के बाद खासतौर पर अगर फर्स्ट क्लास ले रहे हैं, बच्चे कितने कॉन्सेंट्रेशन के साथ, खासतौर पर अगर बच्चे ने अच्छे से खा लिया है और ऐसे थोड़ा बहुत गुलाबी ठंडी है तो बढ़िया नींद लगने की जो है 100% संभावना रहती है। वो हमारे वो सर जो है वो दोपहर में लंच के बाद फर्स्ट क्लास लेने आते थे और हमें इंग्लिश पढ़ाते थे, और इंग्लिश ऐसा पढ़ाते थे जैसे कि सामने फिल्म दिख रहा हो, ऐसा मतलब सामने हमारे सामने चित्र, एक्चुअली वो इंग्लिश के जो लेसन पढ़ा रहे हैं वो कैरेक्टर्स जिस तरह से डिस्क्राइब करते थे, ऐसा लगता है कि हमारे सामने वो एक फिल्म चल रहा। और यकीनन एक आदमी नहीं सोता था जब वो क्लास लेते थे। तो ऐसे मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे बता रहा हूं। एक सोशल स्टडीज के हमारे टीचर थे जिन्होंने हमको रेवोल्यूशंस के बारे में, 8th, 9th, 10th क्लासेस में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन, प्रशियन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, मतलब इंग्लिश रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, ये सब क्लास लेते थे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि टीचर का जो सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ और जिस तरह से उसका वर्णन करते हैं उसका हमारे ऊपर कितना प्रभाव रहता है। वो जिस तरह से रेवोल्यूशंस पढ़ाते थे हमको फिर से एक बार पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, मतलब नोटबुक निकाल के, टेक्स्ट बुक निकाल के एक बार पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। एग्जैक्टली 25 ईयर्स के बाद जब मैं बर्लिन गया, 25 ईयर्स के बाद जब उन्होंने पढ़ाया था बर्लिन गया, तो मैं सिर्फ जर्मन का एक म्यूजियम है जो प्रशियन रेवोल्यूशन, ओटो वन बिस्मार्क अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं उस जर्मन म्यूजियम में सिर्फ इसलिए गया देखने के लिए कि मेरा जो टीचर 25 साल जो पहले जो पढ़ाया था वो एक्चुअली क्या था उसको समझने के लिए। उसके बहुत सारे चीजें वहां पे उस म्यूजियम में रखे हुए हैं, मैंने वो ब्रोशर लेके पढ़ा था, तो मैं उसको देखने गया था सिर्फ इसलिए कि वो टीचर जिसने वो मुझे 25 साल पहले पढ़ाया था उसका कितना एक्चुअली मैदानी, उससे हकीकत में वास्तविकता थी। और मैं ये आपको ये भी बता रहा हूं कि ये जो इंग्लिश टीचर, ये जो सोशल स्टडीज टीचर, जब मैं गांव जाता था तो हमेशा जाके उनसे मिलता हूं, मतलब इंग्लिश टीचर हमारे, उनका डेथ हो गया, हमारे प्रिंसिपल भी रहे, और मैं ग्वालियर कलेक्टर था 2012 से लेके 15 के बीच में, तो मैं उनको ग्वालियर बुलाया, और ग्वालियर बुला के जो हमारा 26 जनवरी का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम होता है उसमें
मैंने पूरे ग्वालियर को बताया कि ये मेरे इंग्लिश टीचर थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया और उनका पूरा उस प्रोग्राम में उनको सम्मानित कराया मैंने। और वो जो सोशल स्टडीज टीचर थे उनको मैंने वो प्रश्न मतलब उस जर्मन म्यूजियम जहां गया था वहां का ब्रोशर ले आके मैंने उनको दिया कि सर ये देखिए मैं वो जर्मनी गया था तो आपके लिए ये लाया, आपने ये जो पढ़ाया था तो वास्तविकता में वैसे ही है जैसे आपने मुझे पढ़ाया था। मैं इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूं कि टीचर जो है कितना सब्जेक्ट को गंभीरता से लेते हैं। मैं इस बात को बार बार दोहराता हूं कि टीचर वही है जो एक्चुअली तैयारी के साथ पहुंचता है, कैसे क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए प्रयास करता है, और टीचर वही है जो मूल्य आधारित टीचिंग करता है। मैंने जैसे कहा है कि आपको आपको वो वेट कैरी करना भी आना चाहिए। ये जो चीज जो है मैं बार बार कहता हूं क्योंकि जिस फील्ड में हम जहां पहुंचते हैं व्यक्ति का सम्मान वही रहता है जो उस पद के हैसियत से या उस व्यवस्था के हैसियत से कैसे अपने आप को कैरी करता है। कैरिंग कैपेसिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जैसे आप उम्र में ज्यादा बढ़ते हैं, यहां पर कई वरिष्ठ लोग बैठे हैं, जैसे जैसे आप एज में आगे बढ़ते हैं वैसे ही आपको अपनी कैरिंग कैपेसिटी वो सम्मान हासिल करना बहुत जरूरी है, वो हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत जरूरी है। सम्मान जो है सम्मान उसी को मिलता है जो एक्चुअली उसके हकदार है, और उसको कैरी करने के लिए आपको हर मायने में मतलब कोई टीचर अगर वो सम्मान प्राप्त नहीं करता है इसका मतलब है वो अपने आप को मतलब एक तो आपने टीचिंग के साथ न्याय नहीं कर रहा है, अपने स्टूडेंट्स के साथ न्याय नहीं कर रहा है, खुद के साथ न्याय नहीं कर रहा है, और खुद अपने आप को अपडेट रखता नहीं है और कुछ प्रयास भी नहीं कर रहा है। आप भी सोच लीजिए कि आप कई स्टूडेंट्स के कई टीचर्स के क्लास में मतलब एक्स्ट्रा क्लास सुनने के लिए भी जाते रहे होंगे, आप वो भी अपने जीवन में एक बार चेक कर लीजिए। स्टूडेंट्स को ये एहसास कराना कि क्या इंपॉर्टेंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, मैं फिर से बता रहा हूं, हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो मेक वन मेक टू ऐसा रहता है आप भी पढ़ाते होंगे, वो इतना अच्छा पढ़ाते थे तो उन्होंने मुझे बताया कि नरहरि आप यू मस्ट डू सम एडिशनल रिसर्च अपार्ट फ्रॉम योर रूटीन इंजीनियरिंग क्लासेस। तो मैंने बोला क्या करना चाहिए, बोले यू गो टू एनी ऑफ द इंडस्ट्रियल एरियाज, वहां पे जो एडवांस्ड अभी वर्तमान में जो काम चल रहा है खास तौर पर कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, मैं 98 इंजीनियरिंग पास आउट हूं तो ये 95-96 की बात है। उन्होंने कहा ये आप करो, ये कुछ एडिशनल चीजें सीखो। तो मैंने बहुत सीरियसली लिया और वो गाइड भी करते थे, तो वहां पे हैदराबाद में बालानगर करके इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहां पे हमारे ही क्लासमेट के फादर, उनके फादर का एक इंडस्ट्रियल छोटा सा इंडस्ट्रियल फैक्ट्री थी, तो कैट कैम में काम करते थे, तो हम गए सीखे और एक पेपर तैयार किया। और ये पेपर्स वगैरह सिंपोजियम्स ये सब बहुत कॉमन चीज होते हैं ना कॉलेजेस में, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये या तो मार्गदर्शन देने वाला रहता नहीं है या फिर स्टूडेंट्स भी सीरियसली नहीं लेते हैं या फिर उनको हम ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं, गाइड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही पेपर लिखा भेजा, तो ऐसे ही सिंपोजियम्स में जाने का भी मौका मिला। और इसके अलावा आईएएससी बैंगलोर एक समर रिसर्च जवाहरलाल नेहरू समर रिसर्च फेलोशिप निकालते हैं, आई डोंट नो अभी निकलता है कि नहीं निकलता है,
तो हमने एप्लीकेशन भेजा तो उसके साथ में हमने जिन जिन सिंपोजियम्स में भाग लिया उसको लगा के भेजा तो दे सिलेक्टेड मी और त्रिवेंद्रम में रीजनल रिसर्च लैबोरेटरी आरआरएल अभी भी आरआरएल हर स्टेट में है रीजनल रिसर्च लैब्स हैं तो वहां समर रिसर्च फेलोशिप के लिए सिलेक्ट किया गया था तो मैं चला गया 2 महीने समर सीजन में सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग करने के बाद जो समर सीजन टाइम रहता है एंड यू वोंट बिलीव कि 2 महीने का वहां रिसर्च जो हमने किया वो ISTM इंटरनेशनल न्यूज़पेपर इंटरनेशनल पेपर में जो काम हमने किया था वो पब्लिश हुआ था I was a student which haven't completed engineering actually और मेरा इंटरनेशनल पेपर में पेपर पब्लिश हुआ एंड बाय द टाइम आई कंप्लीटेड इंजीनियरिंग आई हैड एन इंटरनेशनल पेपर अपार्ट फ्रॉम द फाइनल ईयर इंजीनियरिंग जो हम एक प्रोजेक्ट करते हैं मेरे पास 3 प्रोजेक्ट्स थे एंड आई वाज यूनिवर्सिटी टॉपर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ये जो साइंटिस्ट पोस्ट के लिए जॉब्स निकलते थे तो मैं अप्लाई करता था एंड मैं 3 साइंटिस्ट पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुआ एडवांस जो अभी मैंने कहा कि हैदराबाद में मैंने ज्वाइन किया था एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 3 पब्लिक सेक्टर पोस्ट के लिए और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए मतलब 98 में पास आउट हूं 99 जून में मेरे पास 7 गवर्नमेंट जॉब्स थे 7 गवर्नमेंट जॉब्स इन माय हैंड तो मैं ये किस्सा इसलिए सुनाता हूं कि जो इंजीनियरिंग सीरियसली लेते हैं यानी स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए है ये अगर आप सीरियसली लेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके साथ आएंगे तो इसलिए टीचर्स का जो इन्फ्लुएंस है कितना इंपॉर्टेंट है मैं तो ये कहता हूं कि आप आपके क्लास में 40 स्टूडेंट्स है 40 के 40 नहीं सुन रहे लेकिन एक आध भी सुन लेगा ना बहुत आई मीन टुडे आज की तारीख में हम इंजीनियरिंग फील्ड में कंप्यूटर साइंस में तो बहुत कुछ आगे बढ़ गए हैं आई थिंक द कोर इंजीनियरिंग जो है जो सिविल इंजीनियरिंग है मैकेनिकल इंजीनियरिंग है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है जो कोर इंजीनियरिंग में हमको अभी भी बहुत आगे बढ़ने की आवश्यकता है वी नीड टू रियली रियली एस्टैब्लिश आवरसेल्व्स इन द कोर इंजीनियरिंग फील्ड्स तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं जो ACTC ने डिजाइन किया है ये अपने आप के लिए सोचने के लिए है कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए खुद के लिए यूनिवर्सिटीज के लिए जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उस फील्ड के लिए हम क्या कर सकते हैं कैसे ऐसे मापदंड स्थापित कर सकते हैं एंड मैं बार बार यही कहता हूं कि कोई जरूरत नहीं है कि द बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज और बेस्ट ऑफ द रिसर्च लैब से ही द बेस्ट ब्रेन्स निकलते हैं ऐसा कहीं नहीं है हमें टीचिंग और रिसर्च दोनों को साथ साथ लेके चलना होगा एवरी यूनिवर्सिटी शुड डू बोथ दीज थिंग्स साइमल्टेनियसली आपका टीचिंग और रिसर्च इसका कॉम्बिनेशन से ही हम आगे बढ़ पाएंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग इस दिशा में काम करेंगे एंड इस तरह के इंडक्शन प्रोग्राम्स बहुत ही यूजफुल रहेंगे मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट जय थैंक यू सर I now request Dr. G.K. Pandey, Principal IAS College of Technology, to kindly propose a vote of thanks. I wish a very good morning to the Honorable Chief Guest, respected Chancellor Sir, our beloved Vice Chancellor Sir. ACT Zonal Coordinator and dear faculties. Today my words are not enough to express my gratitude
on behalf of IAS family and the faculties representing other institutions, I would like to thank our chief guest, Mr. P Narahari, Commissioner Communication, for gracing today's seminar and delivering an inaugural address. Thank you, sir, for a very interesting and thoughtful public address. I am sure our friend participants of this seminar have taken a note of your suggestions, your experiences, and will get benefited. I also take opportunity to thank our beloved Chancellor sir for his leadership support, his directions, word of wisdom that radiate a source of energy within us. We will ever remain grateful to you, sir, and we thank you for your being here with us today. A special thanks to Dr. Abhay, regional coordinator. He is always with us. He supported all the time to institutions. Thank you, sir. Thank you very much to be here today.